आज डेट है 27 जून 2024। टाइम हो गया शाम के 5:50। 1 to 7 अब आज राइट है हमारी इस्लामा तक। और आज तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इस टाइम टेम्परेचर चल रहा है 43 डिग्री। तो मेरा तो आज बिल्कुल भी दिल नहीं था 1 to 7 अब देखने के लिए, लेकिन आपको पता है रेल फैनिंग वाला शौक़ जो है ये बस किसी को ना लगे, मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि ये शौक़ जो है बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है। जितनी भी गर्मी हो सर्दी हो चाहे, फिर भी दिल करता है कि ट्रेन लाजमी देखने जाऊँ। ठीक है, तो आज 43 डिग्री टेम्परेचर अब चल रहा है, मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और अपना भी रेल फैनिंग का शौक़ पूरा करने के लिए आया हूँ। तो आज मेरा एक्सप्रेस का पावर आ रही है HPO 2080। सुबह मैंने देखी थी 128 ओम पावर, नंबर मुझे भूल गए, 8082 8082। आज 127 आपके साथ आ रहे सलामत तक राइट टाइम। और 8082 जो है ये 6 नाच पर फिट है और 6 इसकी ट्रैक्शन मोटर्स हैं और धुआं भी ये इंजन जो है बहुत ज़्यादा छोड़ता है। ठीक है, तो बाकी जो इंजन जो रिफर्बिश्ड हुए हैं HPO 2070 और HPO 2076, ये अभी तक वर्किंग में नहीं है, यानी लोको शेड कुंदिया में जो है वो खड़े हैं, अभी इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं है। बाकी जो कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियो में बताया था कि DS स्पेशल इंस्पेक्शन ट्रेन जो है वो 29 जून को आएगी मुल्तान से, 3 बजे चलेगी बखर सेक्शन की इंस्पेक्शन के लिए, तो वो ट्रेन जो है वो कैंसिल कर दी गई है, यानी अब उसकी जो न्यू डेट है वो बताई जाएगी, फ़िलहाल वो ट्रेन मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दी गई है। तो ये DS स्पेशल ट्रेन जो है ये स्पेशल चलाई जा रही थी पूरे सेक्शन की इंस्पेक्शन के लिए, यानी स्टेशनों की इंस्पेक्शन के लिए और जो पाटा कहते हैं उनकी इंस्पेक्शन वगैरह के लिए, रेलवे ट्रैक की इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन वो ट्रेन जो है अब पोस्टपोन्ड हो गई उसकी डेट, तो अब न्यू डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी कुछ अर्सा के बाद। तो फ़िलहाल जो है वो कैंसिल कर दी गई है, पहले 29 जून को आनी थी लेकिन अब कैंसिल हो गई है। तो थाला स्पेशल अब परमानेंट 12 कोचेज कर दी गई हैं और ZCU 20 के लोकोमोटिव का लिंक थाला स्पेशल लगना था वो भी अभी तक जो है, यानी कि HB 20 परफेक्ट है, यानी ZCU 20 का लिंक भी 129 और 130 के साथ अभी तक नहीं लगाया गया। सुनने में आया है कि अगले एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा कि ZCU 20 के लोकोमोटिव 129 और 130 रीड करेंगे या नहीं, तो इंशाल्लाह अच्छा ही की उम्मीद है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ZCU 20 लोकोमोटिव इंशाल्लाह इधर आएंगे, क्योंकि हर दूसरे दिन जो है हिटाची के इंजन जो है वो फेल हो रहे हैं। अब 128 की पावर भी कल परसों जो है फेल हुई है 20 सेट पर 8050, और रात 130 राउंड की पावर भी फेल हुई है टेम्परेचर हाई होने की वजह से, यानी हिटाची सीरीज़ के जो लोकोमोटिव है इनका टेम्परेचर अगर 95 डिग्री से ज़्यादा चला जाए ऊपर तो इंजन जो है ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। तो रात 80-79 का टेम्परेचर जो है वो 95 से ऊपर हो गया था, तो इसी वजह से फिर तकरीबन ट्रेन जो है 1-1.5 घंटा लेट हुई है। तो अगर ये ऐसे हो जाए टेम्परेचर इंजनों का हाई हो जाए तो इनको फिर ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है, अक्सर तो बनते भी नहीं है, लेकिन ये बस किस्मत अच्छी थी कि रात 80-79 जो है फिट हो गया था, तो इसी वजह से फिर हिटाची का लिंक जो है वो ZCU 20 में तब्दील कर रहे हैं, यानी इसी वजह से फिर सुबह का क्यों सफ़र होता है 129 और 130 रूम का, अक्सर ज़्यादा 12 घंटे का सफ़र तकरीबन दिन में होता है, तो इसी वजह से इंजन पर जो है वो धूप पड़ती है क्लियरली, तो इसी वजह से फिर इंजन जो है ये हार्ट हो जाते हैं। हिटाची के वैसे भी पुराना इंजन है आपको पता है, तो फिर इस वजह से आप ZCU 20 का लिंक लगाने के चक्कर में पाकिस्तान रेलवे के ऑफिसर्स जो हैं इनको पता है कि हिटाची के लोकोमोटिव जो हैं ये गर्मी में वर्किंग नहीं कर सकते खास, तो अब पता नहीं कब इस चीज़ पर अमल किया जाएगा, इस बात पर अमल किया जाएगा कि ZCU 20 का लिंक जो है 129 130 रॉक साथ फिट किया जाएगा। इसके अलावा और ट्रेन जो चलनी थी जिसका मैंने आपको बताया था लाहौर से डीजी खान के लिए मूसा पाक एक्सप्रेस, उसका भी सुन रहे हैं कि 15 तारीख को जो है लेटर आउट हो जाएगा कि ये ट्रेन जो है, यानी लेटर वो आउट होगा कि जिसमें ट्रेन की डेट बताई जाएगी कि इस डेट से ट्रेन जो है परमानेंटली इधर चलेगी, तो वो अब 15 जुलाई का इंतज़ार है, यानी आज है 27 जून, तो वह समझ लें कि 17 से 18 दिन में जो भी फैसला होगा वो भी पता चल जाएगा कि ट्रेन चल रही है या नहीं। बाकी 127 अब भी सामने आ रही है, आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी, आज 127 आप इसी जगह से पास होते हुए देखते हैं सनामा लेवल क्रॉसिंग के साथ, रेडी रहें फिर 80-82 के साथ 127 आप देखने के लिए, जिसकी स्पीड आपको पहले बता दूँ तकरीबन इतना ही होगी 45 से 55 के दरमियान। बस मैं भी अब डेली 127 और 129 130 डाउन की वीडियोस बनाकर जो है थोड़ा उब गया हूँ। ठीक है, अब मैं भी सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द शेरशाह साइड पर चक्कर लगाऊँ, यानी वहाँ पर थ्रू पास देखेंगे सारी ट्रेनों के, क्योंकि BR एक्सप्रेस थार एक्सप्रेस के अलावा तकरीबन सारी ट्रेनें शेरशाह से थ्रू पास होती हैं,
जिन ट्रेनों में जाफिर एक्सप्रेस, आवाम एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस भी है, दूसरा खैबर मेल एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, ये सारी ट्रेन जो मुल्तान में आती है ना, ये शेर शाह से जो है थ्रू पास होती हैं अप डाउन ट्रेनें, ठीक है। और मालगाड़ियाँ भी अगर कोई वजह हो तो रुक सकती हैं, अदरवाइज़ थ्रू पास का सिग्नल ही होता है शेर शाह में। तो तकरीबन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 100 से तो ऊपर स्पीड होती है। तो इंशाल्लाह फिर वो बहुत जल्द चक्कर लगाना है मैंने शेर शाह साइड पर, तो उधर से फिर मेन लाइन की ट्रेनें जो है वो पास होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। आपने ये नहीं सोचना कि मैं जो है ना डेली वी आर एक्सप्रेस उतारे पर वीडियो बनाता रहूँगा, नहीं, अब मैं भी चक्कर लगाऊंगा बहुत जल्द और न्यू से न्यू वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। वैसे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि अपने व्यूवर्स के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है वो अपलोड करूं, क्योंकि वो स्पेशली जो है ना मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं, तो मैं भी उनके लिए फिर कुछ ना कुछ करूँ ना। तो इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द अच्छी से अच्छी मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की मैं जो है ना कोशिश करूँगा। मज़ीद मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेन लाइन की ट्रेन है तो मैं कवर नहीं कर सकता इतना खास, बाकी ब्रांच लाइन की ट्रेनें मेन लाइन वाले कवर नहीं कर सकते, जो मेन लाइन पर वीडियो बनाते हैं ब्रांच लाइन की नहीं बना सकते, ब्रांच लाइन वाला जैसे मैं हूँ मैं मेन लाइन पर नहीं बना सकता। तो आप मेन लाइन वालों की वीडियो जो है उस चैनल से देख लिया करें, और जो ब्रांच लाइन की वीडियोज़ हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो मैं बनाऊँ, ठीक है। तो मियाँ एक्सप्रेस उत्ताल एक्सप्रेस की वीडियो तकरीबन इस सेक्शन पर मैं ही बनाता हूँ, अंदाज़ा मेरा यही है। तो 127 आप इस जगह से आज पास होते हुए देखते हैं, थोड़ी सी लोकेशन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल खाली की खाली ट्रेन है, बिल्कुल भी रश नहीं है खास इतना।